Hey everyone, welcome back. My name is Ekta and if you are new here then welcome to my channel. So, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आप आई लैशेज कैसे लगा सकते हैं, जो फॉल्स आई लैशेज आते हैं आप खुद पे वो कैसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से. मैं खुद की बात इसलिए कर रही हूँ कि दूसरों पे आई लैश लगाना फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम खुद पे आई लैशेज लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. वो सही जगह पे प्लेस नहीं होते हैं, आई लैश ग्लू जो है वो आपकी नेचुरल आई लैशेज में फंस जाता है और बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊँगी आई लैश लगाने का, एंड दिस ट्रिक विल कम्प्लीटली चेंज योर आई लैश गेम. आई एम वेरी श्योर कि इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आपका जो आई लैश लगाने का तरीका है बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आपका आई लैश जो है वो काफ़ी देर तक स्टे करेगा. अगर आप बिगनर हो और आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आप ये टेक्निक यूज़ करो, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, आई एम डैम श्योर. ऑल्सो मैं इस वीडियो के एंड में आप सबको बताऊंगी कि आई लैशेज निकालते कैसे हैं, बिकॉज आई लैश लगाना तो बता दिया बट निकालना भी तो बताना पड़ेगा. एंड इसलिए आई टेल यू कि सबसे ईजी तरीका क्या है आई लैश निकालने का, जिससे आपकी जो नेचुरल आई लैशेज है उसको कोई डैमेज ना हो. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, सो आई टेल यू दैट इन द एंड ऑफ द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, जो लैशेज मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो हैं फ्रॉम मिनीसो. ये मैंने मिनीसो के स्टोर से लिया था. 10 का पैक आता है अराउंड 200 रुपीज़. और ये जो लैशेज हैं बिल्कुल भी हैवी नहीं है, लाइक ये ब्राइडल लैशेज नहीं है, बट नेचुरल अगर आपको चाहिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं. आप पार्टी मेकअप में खुद के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो. नाउ लैशेज पहचानने के लिए आपको ये देखना है कि जिस साइड लैशेज के छोटे हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, वो हमेशा हम इनर कॉर्नर में लगाते हैं, और जिस साइड लंबे हेयर्स होते हैं उसको हम आउटर कॉर्नर में लगाते हैं. तो जब भी आप आई लैश का थ्रेड कट करें तो हमेशा आप जो इनर कॉर्नर है या जिधर छोटे बाल हैं उसको एक्स्ट्रा आप नहीं कट करेंगे कभी भी. हमेशा जब हम एक्स्ट्रा कट करेंगे लैशेज़ को तो हमेशा बाहर की तरफ या लॉन्गर साइड से कट करेंगे. मेजर करने के लिए जहाँ तक आपकी नेचुरल लैशेस का ग्रोथ है सिर्फ वहाँ तक हम लैशेस को रखते हैं, और जितना भी एक्स्ट्रा होता है उसको हम कट कर देते हैं. अगर आप बहुत लंबी लैशेस लगाएंगे एकदम एंड तक तो आपकी जो आईज़ हैं वो बहुत ही ड्रूपी और झुकी हुई दिखेंगी, इसलिए परफेक्ट लेंथ जानना बहुत ज़रूरी है. ये है मेरी आई लैश एप्लीकेशन का परफेक्ट लेंथ. आई लैशेज को स्टिक करने के लिए जो आई लैश ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फ्रॉम मिस क्लेयर. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ. गाइस, ये काफ़ी अच्छा आई लैश ग्लू है, बहुत आराम से आपके आई लैशेज इससे स्टिक हो जाती हैं. नाउ अब हम यहाँ पे अपना जो ट्रिक है वो यूज़ करेंगे. मैं यहाँ पे आई लैश के बैंड पे नहीं लगा रही हूँ लैश ग्लू, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ. मैं लैश ग्लू और बैंड पे लगाने की जगह जो आई लैश ग्लू है वो मैं डायरेक्टली अपने लैश लाइन पे लगाऊंगी. सो जो मेरा आई लैश एप्लीकेटर है उसमें ऑलरेडी ब्रश दिया हुआ है. अगर आपके उसमें ब्रश नहीं है तो आप किसी भी छोटे से लाइनर ब्रश या आईब्रो ब्रश को यूज़ करके आप अपना जो आई लैश ग्लू है वो डायरेक्टली अपनी लैश लाइन पर लगा लीजिए, और अपने आई लैश को इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करके 30 सेकेंड तक यू हैव टू वेट. एंड जैसे ही आप अपनी आई लैशेज स्टिक करेंगे, प्लेस करेंगे, वो तुरंत स्टिक हो जाएंगी आपके लैश लाइन पे. जहाँ पे आई लैश को प्लेस करना है वो डायरेक्टली वहाँ पे स्टिक हो जाएंगी. एंड फिर आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो, जो आपके इनर और आउटर कॉर्नर्स हैं उसको एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है आपको. डायरेक्टली आपकी लैशेज आराम से स्टिक हो जाएंगी. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई लैश कर्लर, और इससे आपके जो नेचुरल लैशेज और फॉल्स लैशेज है दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने फॉल्स आई लैशेज लगाए हैं. मस्कारा से आप अब इस लुक को फिनिश कर सकते हैं ताकि जो भी आपके नेचुरल और फॉल्स आई लैशेज हैं अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ. एट दी एंड मैं क्या करती हूँ कि मैं एक आई लाइनर का, एक पतला सा आई लाइनर का स्ट्रोक देती हूँ, या जो लाइनर ऑलरेडी लगाया हुआ है उसको फिर से एक बार फिनिशिंग टच देती हूँ, ताकि जो आई लैशेज हैं जो उसका जो अनइवननेस है वो चला जाए, बिल्कुल ही ब्लेंडेड लगे हमारा लाइनर और हमारा आई लैश. सो यस गाइज, दिस इज़ द ईजिएस्ट ट्रिक विच आई यूज टू अप्लाई माई फॉल्स आई लैशेज. एंड यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आई लैशेज लग गई हैं. बिल्कुल भी इट इज़ नॉट विजिबल कि वी हैव अप्लाइड एनी फॉल्स लैशेज, या अन ईवन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. तो ये जो ट्रिक है, यू कैन यूज़ दिस ट्रिक एंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर सेल्फ, और अगर आप किसी और पर भी आई लैशेज लगा रहे हैं तो ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई लैशेज निकालने के लिए यू हैव टू पुल योर आई लैशेज फ्रॉम द आउटर कॉर्नर.
आउटर कॉर्नर को आपको पकड़ना है बहुत लाइट हैंड से एंड इसको आप इनर कॉर्नर की तरफ पुल कर लेंगे एंड आपके लैशेस आराम से निकल जाएंगे। जो नेचुरल लैशेस हैं आपके उसको कोई हार्म नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर आपका कुछ ग्लू वगैरह फंस जाता है इन केस, तो आप किसी भी माइसला वाटर या क्लेंजिंग मिल से उसको निकाल सकते हैं। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप ये तरीका ट्राई करने वाले हो और ये आपका अच्छा टर्न आउट होता है या बुरा भी टर्न आउट होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। इट विल रियली मेक मी हैप्पी टू नो योर व्यूज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।